हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा गुजरात ट्रिप का थर्ड डे और अभी हम हैं दीव में। दीव में हमने बहुत से प्लेसेस विजिट कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं नगवा बीच में। तो दोस्तों देखिए, नगवा बीच के आसपास इस तरह का व्यू रहता है। और ये मुझे कुछ कुछ गोवा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अगर आप बीच के लिए कपड़े नहीं लाए हैं तो देखो इस तरह के स्टॉल भी लगे हुए हैं। और ये है दीव बीच। सो ये है नगवा बीच, दीव का नगवा बीच गाइस। और देखो वहां पे कितनी अच्छी वाटर एक्टिविटीज हो रही है। वाओ, ये ड्रैगन किस चीज का है? यहाँ आप देख सकते हो दीव बीच, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ भीगने का कोई इरादा नहीं अभी मेरा। और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे। तो गाइस मैं अभी चलाने जा रही हूँ डेजर्ट बाइक, फर्स्ट ट्राई। चला ना बाइक तो चला। सो फ्रेंड्स, ये था दीव बीच। सो दोस्तों, इस तरह हमने अपना टाइम स्पेंड किया दीव पे। बहुत अच्छी प्लेस है, अगर आपका गुजरात आना होता है तो इस प्लेस में एक बार ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी पसंद है तो ये तो बेस्ट प्लेस है। मैंने यहाँ पे कुछ ही एक्टिविटीज़ की हैं। सो दैट्स इट फॉर दीव एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग रहेगा द्वारका पे, क्योंकि अभी हम जाएंगे वापस दीव से सोमनाथ, और सोमनाथ से अपने होटल से बैग वैग लेकर हम निकलेंगे द्वारका के लिए। तो चलिए मिलते हैं द्वारका के वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Hehehehe